अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इकरार खान, एसएसटी जीएचएसएस चारबाग। हमने जैसा कि आपको मालूम है ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, इसमें मेरे साथ इंग्लिश का सब्जेक्ट है। आज हम क्लास टेंथ के इंग्लिश का फर्स्ट लेसन यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये स्टार्ट करेंगे। आप टॉपिक को देखिए पेज नंबर फर्स्ट पर, सिंप्लिसिटी मीन सादगी, ह्यूमिलिटी मीन आजजी, यानी आप सलम की सादगी और आजजी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप अपने बुक्स पेज नंबर टू पर देखिए प्लीज़, प्री रीडिंग दिया गया है। अभी व्हाट इज प्री रीडिंग? प्री रीडिंग है, प्री मीन बिफोर, प्री मीन बिफोर, प्री खुद कोई एक बाकायदा वर्ड नहीं है, मगर प्री मीन बिफोर, और रीडिंग मीन पढ़ना, यानी रीडिंग से पहले। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप पढ़ने जा रहे हैं मगर थोड़ा वेट कीजिए, और रीडिंग से पहले ये आपको दिए गए है, आप देखिए प्लीज़, लुक एट द माइंड मैप एंड प्रोजेक्ट व्हाट द लेसन इज अबाउट। ये मैप को आप देखिए, माइंड मैप बनाइए और ये प्रोडक्ट करिए, ये अंदाज़ा लगाइए आप कि ये सबक किसकी, आने वाला जो सबक है किसकी चीज़ के बारे में है। तो प्री रीडिंग में आपको ये वर्ड्स, की वर्ड्स दिए गए हैं, जो जाहिर है जब हम ये देखते हैं, ट्रुथफुल, ट्रस्टवर्थी, फॉरगिविंग, ये जो सब करेक्टरिस्टिक्स है सभी आप सलम की शख्सियत में 100% आपको मिलेंगे। जब हम ये वर्ड देखते हैं तो डायरेक्टली जहन में हमारा और आपका प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन में आते हैं। रीडिंग पर आ जाइए, पहले मैं आपको इंग्लिश रीडिंग पढ़ाता हूँ ताकि आप ठीक प्रोनाउंसिएशन सीखें। तो लाइन नंबर फर्स्ट पर अपना फिंगर रखिए प्लीज, पेज नंबर टू। ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी वर एनग्रैंड ट्रेट्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनैलिटी। फर्स्ट ऑफ यस है, ही नेवर मेड पीपल फील स्मॉल, अनवांटेड और एम्बेरस्ड, ही अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू लिव डिसेंटली एंड काइंडली, ही वुड सिट where there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. He never wore anything that could distinguish him from his companions. He, sallallahu alaihi wasallam, would meet the affluent and the impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color. People who don't know, who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने इसका रीडिंग किया, अभी इसका ट्रांसलेशन भी आप गौर से सुनिए। ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी वर इनग्रेंट ट्रेट्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स पर्सनैलिटी। इनकी सारी आजिज़ी और सादगी, सिंप्लिसिटी मीन सादगी, वर इनग्रेंट ट्रेट्स, ये हज़रत मोहम्मद सल्लम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लम, इनकी सारी और सादगी आप सल्लम की शख्सियत की पुख्ता खसूसियात थे। इनग्रैंड मीन पुख्ता, यानी हद दर्जे तक इनग्रैंड पुख्ता। पर्सनैलिटी मीन शख्सियत। ही नेवर मेड पीपल्स फील स्मॉल, आप सल्लम ने कभी भी लोगों को कमतर नहीं जाना, कमतर नहीं महसूस किया, हमेशा उन्हें इज्जत देते थे। अनवांटेड, गैर मतलूब, आप सलम ये नहीं फील करते थे, ये नहीं एहसास दिलाते थे कि आप हम मुझसे या मेरे और साहबा से आप दर्जे में कम हो। और एम्बेरस्ड, किसी को हरासा भी नहीं किया, किसी को मुसीबत में नहीं फंसाया, किसी को तंग नहीं किया, किसी को शर्मिंदा नहीं किया। नेक्स्ट लाइन, ही अर्ज, उसने तरगीब दी, अर्ज मीन तरगीब देना, हैज फॉलोअर्स, अपने सहाबा को, टू लिव डिसेंटली, कि शाइस्तगी के साथ जियो, शाइस्तगी के साथ जिंदगी गुजारो, एंड काइंडली, और मेहरबानी के साथ, मेहरबान, आपका रवैया मेहरबानी का होना चाहिए, आपका रवैया मुनासिब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और शाइस्ता होना चाहिए। ही वुड सिट, आप सलम बैठते, आप सलम बैठ जाते, वेयर एवर देर वॉज प्लेस, जहाँ भी जगह अवेलेबल एन असम्बली, जहाँ भी मजमा, असम्बली मीन जमा, मजमा,
जब भी असेंबली में मजमा में जगह मुहैया हो, अवेलेबल मीन मुहैया। ये नहीं कहते थे कि दूसरे मैं तो मुमताज़ हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, सामने जाते थे नहीं, जहाँ भी पीछे मिल जाता था, मेडल में मिल जाता, बिफोर एवरीवेयर ही गो देयर एंड नेवर सॉट अ प्रोमिनेंट और एलिवेटेड प्लेस। और कभी भी प्रोमिनेंट मीन नमाया, नमाया एंड और एलिवेटेड प्लेस और आला, एलिवेटेड मीन आला, कभी भी नुमाया और आला जगह की तलाश नहीं की। सॉट मीन तलाश। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर वोर एनीथिंग दैट कुड डिस्टिंग्विश हिम। आप सल्लम कभी भी वो चीज़ नहीं पहनते थे दैट कुड डिस्टिंग्विश, जो कि मुमताज़ करता हो हिम उसे, फ्रॉम हिज कंपेनियन, अपने सहाबा से, अपने दोस्तों से, अपने सहाबा किराम से। आप सल्लम कभी भी उस लिबास, वैसा जूते नहीं पहनते थे जिससे सहाबा, उसके आप सल्लम के साथियों को ये शक पड़ जाए कि आप सल्लम हमसे नुमाया है। हमेशा आम कपड़े पहनते थे। He would meet affluent, वो मिलता था affluent के साथ, affluent मीन मालदार लोग, वो अमीर लोग, वो अमीर लोगों के साथ मिलता था, and the impoverished और गरीब लोगों के साथ, like एक जैसा, कोई तमीज़ नहीं होता कि मालदार के लिए खड़ा हो जाता था और गरीब के लिए वो बैठ जाता, नहीं, सब के लिए खड़ा होता था, तो दोनों के लिए बैठ जाता, तो दोनों के लिए कोई उसके उसमें डिसलाइक नहीं थी। एंड नेवर मेड डिस्टिंक्शन, और कभी भी फ़र्क नहीं किया, डिस्टिंक्शन मीन फ़र्क, इम्तियाज, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जात की बुनियाद पर, कास्ट यानी आप सलम सब सहाबा को एक जैसा वेलकम और डील करते थे। ये नहीं समझते कि ये कम जात वाला है, ये आला जात वाला है, आला ख़ानदान से है, नहीं, क्रीड अकीदे के लिहाज से भी आप सलम एक जैसे सलूक करते थे। एंड कलर, ये हबशी, ये आजमी नहीं, ये काला, ये गोरा नहीं, सब के साथ एक जैसे सलूक। इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन, पीपल हु डिड नॉट नो, वो लोग जो नहीं जानते थे हम आप सलम को नहीं जानते, ऐसे भी लोग थे जो कबाइल से आते थे या कई दूसरे दूर जगह से आते थे आप सलम की खिदमत में, मजलिस में, तो वो नहीं जानते थे, किसे नहीं जानते थे हम, उसे दैट कुड नॉट टेल हिम अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज कमरेड, वो आप सल्लम की तमीज आप सल्लम के दोस्तों में नहीं कर सकता था। यानी जो भी कोई स्ट्रेंजर आता था, कोई अनफेमिलियर जगह से आता था, तो वो आप सल्लम को मजमे में देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि वो आप सल्लम है। इतना मतलब ये है कि आप सल्लम इतना एक जैसा, अपने साथियों के एक ही जैसा शख्सियत थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, अबू उमामा बिन तलहा, अबू उमामा बिन तलबा रिपोर्टेड, अबू उमामा बिन तलबा फरमाता है, ने फरमाया, द कंपेनियन ऑफ द रसूल ऑफ अल्लाह मेंशन द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड बिफोर हिम, ही सेड डू यू नॉट हियर, डू यू नॉट हियर, सिंपलिसिटी इन लाइफ इज पार्ट ऑफ फेथ, सिंपलिसिटी इज पार्ट ऑफ फेथ। अबू उमामा बिन तलहा तलबा रिपोर्टेड ने फरमाया, द कंपेनियन ऑफ द रसूल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, ऑफ द रसूल ऑफ अल्लाह मेंशनड द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड बिफोर हिम, द कंपेनियन ऑफ द रसूल ऑफ अल्लाह मेंशनड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिक्र किया द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड बिफोर हिम, दुनिया की जिंदगी का। ही सेड, उसने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू यू नॉट हियर, क्या आप नहीं सुनते हैं, डू यू नॉट हियर, क्या आप नहीं सुनते हैं, सिंपलिसिटी इन लाइफ एज पार्ट ऑफ फेथ, कि सिंपलिसिटी यानी सादगी जिंदगी में ये ईमान का हिस्सा है, सिंपलिसिटी एज पार्ट ऑफ फेथ, सिंपलिसिटी सादगी ईमान का हिस्सा है। यानी सहाबा किराम ने दुनिया का जिक्र आप सल्लम ने की मजलिस में आप सल्लम के सामने फरमाया, तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिंदगी में सादगी अपनाना है, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ योर फेथ, इट इज पार्ट ऑफ ईमान। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड लाइफ स्टाइल, डाइट एंड मैनर, ही वाज सिंपल एंड हम्बल, सलाह इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वन ऑफ मुहम्मद्स कंपेनियन, सेड द रसूल ऑफ अल्लाह डिड नॉट सी ब्रेड मेड फ्रॉम फाइन फ्लोर फ्रॉम द टाइम अल्लाह सेंट हिम एज़ अ रसूल अंटिल ही डाइड।
एंड लाइफ स्टाइल तर्जी जिंदगी, लाइफ स्टाइल मीन तर्जी जिंदगी यानी आपकी जिंदगी गुजारने का तरीका, तर्ज लाइफ स्टाइल तर्जी जिंदगी। डाइट खुराक एंड मैनर और आदत में ही वाज सिंपल एंड हम्बल, वो सादा और आजिज था, खाकसार था, कोई बड़ी कोई जायका एक्सपेंसिव कानो की आप सल्लम फरमाइश न करते थे, न उम्दा कपड़े पहनते थे। सलाह इब्न साद वला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेन तला सहल इब्न साद आप सल्लम के सहाबा में से एक है, सैड फरमाया द रसूल ऑफ अल्लाह के अल्लाह का रसूल डिड नॉट सी ब्रेड कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी नहीं देखा, मेड अ फाइन फ्लोर उम्दा आटे से बना हुआ रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा। फ्रॉम द टाइम उस वक्त से अल्लाह सेंट हिम एज रसूल जब से अल्लाह ने आपको रसूल बनाया है अंटिल ही डाइड यानी मौत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा आटे से बना हुआ रोटी कभी न देखा न खाया है। हमेशा आप सल्लम का रोटी बहुत ताज़ा नहीं होता था और कई कई दिनों की रोटी आप सल्लम अक्सर तो ऐसा वक्त आता था कि एक दिन गुजर जाता, दो दिन गुजर जाते आप सल्लम के घर में कोई खाना नहीं पड़ता था, कोई चूल्हा नहीं जलता था। लास्ट पैराग्राफ इसी पेज का, सिमिलरली आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड द मैट्रेसेस ऑफ द रसूल ऑन व्हिच ही स्लेप्ट वाज मेड ऑफ लेदर स्टफ्ड विद द फाइबर ऑफ डेड ट्रीज। तर्जुमा सिमिलरली इसी तरह आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड, आयशा जो आप सल्लम की बी है, द मैट्रेसेस ने फरमाया द मैट्रेसेस ऑफ द रसूल आप सल्लम की तोशक यानी आप सल्लम की बिस्तर, मैट्रेसेस मीन तोशक या बिस्तर, ऑन व्हिच ही स्लेप्ट जिस पर वो सोता, वाज मेड वो बना हुआ था ऑफ लेदर चमड़े से, किस स्टफ्ड विद द फाइबर ऑफ डेड ट्रीज उसमें खजूर के दरख्तों के रेशे होते थे यानी खजूर के दरख्तों की जो खुश्क घास है उस वो आप सल्लम का बिस्तर होता था, रात को वो आप सल्लम उस पर सोते थे, इतना उसका अदना इतना सादा आप सल्लम की बिस्तर मुबारक थी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन इंग्लिश 10th का इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे, बाद में आप इसको रीड करें, मीनिंग के साथ रीड करें, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको नोट करते जाइए और मफहूम मकसद को समझने की कोशिश करें। इसका खुलासा भी ये है कि आप सल्लम जिंदगी के हर मामले में सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी इससे आप सल्लम अपना गुजारा करते थे और कभी भी पुरलुत्फ आरायश की ज़िंदगी को आप सल्लम ने कभी भी तरजीह नहीं दी। इसके साथ हमारा लेसन आज का ख़त्म होता है। वस्सलाम।